दुकान का नाम लिखा है, शायद आपका दुकान का नाम है। अपने घर में पहुंच चुका हूं दोस्तों, यहां से क्या मस्त वाला नजारा दिख रहा है। और देखिए दोस्तों ये रहा शाम का टाइम, मौसम बदल चुका है। और इसे खोलता हूं, इसमें क्या होगा दोस्तों। हाय दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों उत्तराखंड की खूबसूरत आदि में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुका है। दोस्तों आज का मौसम काफ़ी शानदार बना है दोस्तों। धूप निकली है, पहाड़ मस्त वाली, काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रही है दोस्तों आज के दिन पे। तो दोस्तों आज मैं कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ आपको, कुछ और कार्य करते हैं दोस्तों आज के दिन पे। वीडियो में बने रहे दोस्तों, प्लीज़ प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। और देखिए दोस्तों आज ऐसा नज़ारा दिख रहा दूर दूर का, पहाड़ों में देखिए मस्त वाली धूप निकली है। देखिए दोस्तों क्लियरिटी आ रही है, देखिए आसमान भी साफ बना हुआ है दोस्तों। बादल है थोड़े थोड़े से, पर मस्त वाला व्यू है आज। धूप आ रही कड़क वाली, देखिए मस्त व्यू। तो इस साइड जा रहा मैं, अब देखिए यहाँ पे जाते हैं आगे की साइड। और दोस्तों आज मैं यहाँ पे आ रखा है, यहाँ पे एक टेलर मास्टर है देवी खेल, काफी फेमस। तो आप अपना नाम बताइए हमें, क्या नाम है आपका? हाजी पवन नेगी। अच्छा आपका गांव का नाम क्या है? गांव बता कर, नाम बता दीजिए। गांव हमारा ढाली। अच्छा यहाँ से कितनी दूरी पे होगा आपका गाँव? अच्छा आप वहीं से आते हो कि? फिलहाल हमारा यहीं पर रहते हैं। अच्छा कितने बजे आ जाते हो यहाँ पे काम पे दुकान में? 9 बजे आते हैं। अच्छा घंटा का काम वगैरह निपटाना पड़ता है ना, तो इसलिए 9 बजे तक ही दुकान खुल पाती है। अच्छा तो आपको कैसा लगता है यहाँ पे काम करने? काम करने में अच्छा लगता है, बस टाइम पास हो रहा है। अच्छा तो कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे काम करते करते? मेरे को हो गए करीबन 8-10 साल। अच्छा तो आप यहाँ पे देवी खेत के मार्केट में कैसा लग रहा है आपको अभी यहाँ पे काम करते हुए इतने टाइम से? बस अच्छा लग रहा है, समय ऐसे गुजर जा रहा है, पता नहीं चला, मत ठीक है मतलब। अच्छा आपने यहाँ पे अपनी दुकान का नाम लिखा है, शायद आपकी दुकान का नाम है हिमालयन? हिमालयन सिलाई सेंटर के नाम से। अच्छा आपने हमारी अच्छा ये नाम रहा दोस्तों, देखिए इनकी दुकान का। और इन्होंने यहाँ पे कलाकारी भी दिखा रखी, देखिए जय श्री कृष्ण नाम से, जय श्री राम नाम से बना रखी पेंटिंग, देखिए काफी अच्छा बना रखा। आपने बना रखा होगा नहीं? हाँ ये हमने बना रखा। अच्छा और यहाँ पे देखिए इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, यहाँ पे सूट सिल रखे मस्त मस्त, देखिए काफी शानदार। अच्छा आपकी वाइफ होंगे नहीं? अच्छा तो आप क्या सिल रहे अभी, ये क्या है? अच्छा आप क्या सिल रहे अभी, ये क्या? हम ये हमने अभी ये बेबी फ्रॉक बना रहे हैं यहाँ पे। अच्छा छोटे इसका काम चल रहा है। अच्छा छोटे बच्चों की इसका काम थोड़ा ये तो ये मशीन तो सिलने की होगी ना कपड़े, ये क्या चीज है इधर दूसरी मशीन? ये है पीको करने की, ये साड़ी और चुनियों पे पीक होता है ना, ये कढ़ाई का काम भी होता है इसमें। देखिए दोस्तों ये रही और इस साइड भी एक मशीन है अजीब से टाइप की दिख रही है, ये क्या है? ये है इंटरलॉक मशीन, इसमें ये साइड में होती है इसकी सिलाई जैसे ना। अच्छा कपड़े की साइड में, कपड़े की साइड में जैसे कि कपड़े का काला तो बनने की। अच्छा और देखिए उन्होंने कलाकारी भी दिखा रही है, ये भी क्या मस्त बना रखा देखिए इस पे। हाँ ये भी हमने बना रखा है। और चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे दुकान में, देखिए यहाँ पे कुछ फोटो भी दिख रहे हैं, यहाँ पुरानी यादें होंगी शायद, बच्चों को सिखाते हैं आप मशीन? हाँ ये हमारा पहले सिलाई सेंटर भी था। देखिए यहाँ पे काफी शानदार, यहाँ पे मास्क की फोटो भी है इसमें, आपने कोरोना काल में शायद मास्क का काम भी किया होगा ऐसा लग रहा। अच्छा मास्क दिखा दीजिए कैसे बना रखे। अच्छा देखिए 5000 मास्क बनाए थे। अच्छा 5000 तो काफी बड़ा टारगेट था। देखिए दोस्तों क्या मस्त बना रखे, रंग बिरंगी देखिए, व्हाइट कलर में लाल रंग में देखिए, काफी शानदार है। अच्छा और हमारे सिलाई सेंटर की ड्रेस है। अच्छा ये ड्रेस, अच्छा इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, कुछ नाम दिखा मुझे भी। अच्छा हिमालयन सिलाई सेंटर की ड्रेस है। अच्छा देखिए गुलाबी रंग की काफी मस्त दिख रही है, और देखिए यहाँ पे नाम लिखा है हिमालयन सिलाई सेंटर देवी खेत के नाम से, काफी शानदार है यहाँ पे दोस्तों देखिए। और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा मुझे आज के दिन पे। अच्छा चलो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने हमारा थोड़ा यहाँ पर परिचय दिया अपने क्षेत्र में। हाँ तो धन्यवाद। हाँ तो ठीक है फिर कभी मिलेंगे है ना? ठीक है फिर, ओके ओके बाय। और दोस्तों देखिए अब अपने घर में पहुंच चुका हूँ दोस्तों, यहाँ से क्या मस्त वाला नजारा दिख रहा है आज के दिन पे। देखिए बादल लगे हैं, देखिए आसमान में खतरनाक वाले, और देखिए ऐसा नजारा दिख रहा है मेरे घर से यहाँ से सड़क का नजारा ऐसा, देखिए गाड़ियाँ लगी बहुत सारी देखिए दोस्तों मौसम बदल सा चुका है, अब हवा चल रही काफ़ी ज़बरदस्त वाली, मुझे लग रहा है बारिश भी आ सकती है दोस्तों। सुबह तक तो मौसम मस्त था, धूप लगी थी मस्त वाली, और देखिए यहाँ पर बादल लगे हैं काले काले देखिए आसमान में। तो दोस्तों अब मैं लंच करता हूँ दोस्तों।
और देखिए दोस्तों ये रहा शाम का टाइम, मौसम बदल चुका है। देखिए सुबह तक मस्त वाली धूप आई थी, अब देखिए क्या हवा चल रही है जबरदस्त वाली, बारिश भी हो सकती है दोस्तों। पहाड़ों में तो मौसम बदल जाता है पल भर में, सुबह तक मस्त वाली धूप थी, अब देखिए क्या हवा चल रही है। देखिए पेड़ का देखिए हवा चल रही बड़ी तखड़े वाली, चल गया हवा चल रही बहुत खतरनाक वाली। तो यहाँ पे मैं सुबह के टाइम पे आया था, यहाँ से मस्त वाला व्यू दिख रहा था सुबह के टाइम पे 9 बजे के आसपास। अब देखिए दूर का नज़ारा, देखिए वहाँ पे कोई अड़ लगा है, वहाँ पे कोहरा लगा है, देखिए वो वाली जगह दिख नहीं रही। अब देखिए ऐसा नज़ारा दिख रहा है यहाँ से शाम के टाइम पे 4 बजे के आसपास, और देखिए यहाँ से दूर का नज़ारा, देखिए यहाँ पे भी कोहरा लगा है खतरनाक वाला, जो धूप आ रखी थी वो धूप चली गई दोस्त, दिख भी नहीं रहा दूर दूर का नज़ारा, ऐसा नज़ारा हो गया। देखिए अब यहाँ पे बदल गया मौसम शाम के टाइम पे। और दोस्तों देखिए ये रहा शाम का टाइम, मैं आ रखा अपने गौशाला की साइड, यहाँ पे देखिए मुर्गी चराने के लिए, मुर्गे आराम करते हुए देखिए मिट्टी में, देखिए क्या क्या तो खा रहे होंगे, मस्त से लेट रखे देखिए यहाँ पे। और देखिए ये रास्ता रहा हमारे गौशाला का, देखिए नीचे के लिए जाता है, और देखिए मैं सड़क के सामने हूँ, देखिए खड़ा, देखिए सड़क से नीचे है हमारे गौशाला जस्ट सड़क के सामने, और मुझे यहाँ पे एक थैला सा दिख गया कट्टा, अल्ट्राटेक लिखा गया है इसमें, क्या होगा चेक करता हूँ दोस्तों मैं, और इसे खोलता हूँ इसमें क्या होगा दोस्तों। और इसमें तो मुझे इसमें तो ये देखिए यहाँ पे सीढ़ के पेड़ पे पाए जाते हैं, ये छूती बोलते हैं इसको, तो आग जगाने का काम आता है सर्दियों में, तो सर्दी तो बढ़ चुकी है, ठंड तो बढ़ चुकी है दोस्तों, इसे घर ले जाऊँगा मैं, काम आएगा ये घर में जगाने का, इस थैले को ले जाऊँगा यहीं पर रखता हूँ अभी। और यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिख गई, यहाँ पे क्या होगा पहाड़ी माल एक्स रम फेवरेट कुछ लोगों की, देखिए एक्स रम, देखिए दारू शराब, शराब की बोतल खाली है ये, देखिए एक्स रम लिखा गया है इसमें। और दोस्तों आपका भाई आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करता है दोस्तों, किसी अन्य वीडियो में मिलूंगा दोस्तों, और प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, प्लीज कमेंट से कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, बाय बाय, किसी अन्य ब्लॉग में मिलता हूँ दोस्तों।